पहुंचा भी जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है अनुसूचित जाति मोर्चा के लिए? परंतु मैं अपनी बात को कहकर बार बार कह रहे मुझे भी अच्छा नहीं लगता, अपनी बात को कहकर मैं समाप्त कर रहा हूं। इस बात को यहां बैठे हुए एक एक कार्यकर्ता को ध्यान में रखना होगा, जिस जिस प्रदेश के अंदर हम अनुसूचित जाति के आरक्षित क्षेत्रों को जीतते हैं केवल वहीं वहीं पर सरकार बनी। अभी तक का इतिहास तो ये, यदि दिल्ली का 77 का इतिहास हम छोड़ दें जहां 2 सीटें जीतकर हमने सरकार बनाई थी, तो देश में जहां जहां भी हमने 50% से अधिक अनुसूचित जाति की सीटों को जीता है वहीं पर सरकार बनी है। मैं इसका समर्थन करते हुए आपसे निवेदन करता हूं कि आप प्रस्ताव को पारित करें, और यदि किसी की कोई भावना होगी तो वो लिखकर, जो जैसा अध्यक्ष जी ने बताया था वहां पर बॉक्स रखे हुए हैं, उस पर यदि संशोधन या कोई बात, कोई सुझाव यदि कोई कार्यकर्ता देना चाहता है तो उसमें लिखकर डालें। कोशिश करेंगे प्रस्तावक जी से बात कर उनका समावेश करने की। मैं इसका समर्थन करता हूं, अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ इस प्रस्ताव के अनुमोदन को बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद सरबजीत राजन जी। वीडियो एक सूचना, आपके इस पंडाल में, मुख्य पंडाल में, प्रदर्शनी पंडाल में जहाँ भोजन हो रहा है वहाँ हमें एक सजेशन बॉक्स मिलेगी। उस सजेशन बॉक्स में आप आगामी 2019 जो हमारा भीम संकल्प है उसके निमित्त आपको संगठन के हेतु कुछ नारे, कुछ स्लोगन, कुछ सुझाव, कुछ आपका विचार, आप नाम सहित भी दे सकते हैं और अपना नाम अगर गुप्त रखना चाहे तो उस सारे सजेशन को माने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ओर से संदेश है, आप अपने सुझावों को उनमें दें। मैंने देखा कि स्लोगन, नारे, जोरदार जिस पर हम चुनाव लड़े, ऐसा कोई भी विचार आपके मन में हो बॉक्स में डाले, वो केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में उनको खोला जाएगा और उस पर चिंतन और अध्ययन होगा। मैं अगले अनुमोदन के लिए रामप्रीत पासवान हमारे राष्ट्रीय मंत्री उनको आमंत्रित करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे केंद्र के सभी मंत्रीगण, राष्ट्रीय मोर्चा के सभी पदाधिकारीगण और सभी प्रदेश से आए हुए हमारे मंत्री नेतागण, सामने उपस्थित पूरे भारत के सभी राज्य से आए हुए हमारे मित्रों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं बाबा साहब को और वहां क्रम में लगा हुआ अपने ऋषियों को नमन करता हूं, सम्मान करता हूं, इनके चरणों में प्रणाम करता हूं। मित्रों, मैं अपने अध्यक्ष जी को बधाई देता हूं आज इस राजनीतिक प्रस्ताव को समर्थन के लिए आपने मुझे कहा। मैं इस राजनीतिक प्रस्ताव को मैं समर्थन फिर एक बार आज इस भारतीय जनता पार्टी अनुजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विनोद सोनकर जी, आज के हमारे मुख्य अतिथि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भाई देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय वी सतीश जी, आदरणीय जटिया जी, आदरणीय वी एस सापला जी, और जो मोर्चा के संस्थापक सदस्य के रूप में लगातार हमें आशीर्वाद देते रहे हैं, आदरणीय नारायण सिंह केसरी जी, मंच पर आसीन सभी मंत्रीगण, राष्ट्र के, प्रदेश के और सभी सांसदगण, सामने बैठे हुए पूरे देश से आए हुए हमारे प्रतिनिधित्व कर रहे, मैं कार्यकर्ता नहीं कहूंगा, आपको नेता कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने आज से आपको नेता बना दिया है और नेता बनकर आप क्षेत्र में जाकर वैसे ही आह्वान करेंगे जैसे मन से आह्वान हो रहा है। बंदो इस भूमि को, इस पुण्य भूमि में उनकी क्षमा चाहूंगा। हमारे सभी सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के भारत के हर राज्य से आए हुए मेरे सभी बहनों और भाइयों, आप सभी का नागपुर की नगरी में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि आप सभी की अगुवानी का मौका
महाराष्ट्र को दिया गया और विशेष रूप से हमने यह तय किया कि नागपुर ये डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी की कर्मभूमि है। समता का संदेश डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने इसी नागपुर की भूमि से दिया और एक नई चेतना हमारे अनुसूचित जाति के बहनों भाइयों में तैयार करने का काम डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने किया और इसलिए हमने तय किया कि अगर ये राष्ट्रीय अधिवेशन कहीं होना चाहिए तो इसी नागपुर नगरी में वो होना चाहिए। और मैं हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उनकी पूरी टीम का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि यह मौका उन्होंने हमको दिया। मैं ऐसा मानता हूं कि आज देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश के गरीबों के लिए अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी इनके कल्याण के लिए योजनाएं चल रही है, जिस प्रकार से प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लगातार अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से इस समाज का विकास हो और जो सपना भारत का संविधान बनाते हुए भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने देखा था कि देश के हर व्यक्ति को जीने का समान अधिकार मिलेगा, सभी को पढ़ने का, रोजगारी का, समाज में एक साथ रहने का अधिकार मिलेगा, उस सपने को पूरा करने का काम अगर कोई सरकार कर रही है तो देश में मोदी जी की सरकार उसको कर रही है और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको कर रही है। दोस्तों, पुरानी सरकारों में और हम में अंतर क्या है? कांग्रेस और उनके जैसी अलग अलग सरकारें, उनके साथी संगी और भारतीय जनता पार्टी में अंतर क्या है? यह अंतर यह है कि उनकी कथनी और कंधनी में अंतर था। वो बोलते जरूर थे लेकिन करते नहीं थे, और यह बोला कम जाता है लेकिन किया ज्यादा जाता है, यह भारतीय जनता पार्टी की खासियत है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, 50-55 साल की कांग्रेस की राजनीति को देखिए और हमारे अटल जी की 6 साल की राजनीति, हमारे मोदी जी की 4.5 साल की सरकार, इनकी अगर आप तुलना करें तो मात्र इन 10 वर्षों में जिस प्रकार से हमारी दोनों सरकारों ने देश में अनुसूचित जाति के लिए काम किया है, मैं दावे से कहता हूं किसी भी कांग्रेसी को मैं एक मंच पर जवाब देने के लिए तैयार हूं, उनके 55 साल से हमारे 10 साल कभी भी ज्यादा काम करने वाले 10 साल है, ज्यादा ध्यान देने वाले, ज्यादा विकास करने वाले 10 साल है। कांग्रेस के काल में तो होता यह था कि चंद नेताओं को चुन लो, उन्हीं की हाजी हाजी करो, उन्हीं नेताओं को बड़ा बनाओ, उन्हीं नेताओं के पीछे ताकत खड़ी करो, और समाज का क्या होता है क्या नहीं होता इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। उन नेताओं के भरोसे समाज को वोट बैंक के रूप में देखा जाता था। कुछ नेता ठेकेदार बन गए और समाज हमारे पीछे, बस हमारा विकास कर दीजिए तो समाज का विकास है, और इसी राजनीति को 50 साल तक कांग्रेस ने ढोया। इसीलिए देश के अंदर जो पिछड़े हैं उनका विकास नहीं हो पाया, अनुसूचित जाति के लोगों को भारत के संविधान ने जो अधिकार दिया था वो अधिकार भी उन तक पहुंचने नहीं दिया गया, लेकिन आज उस अधिकार को उन तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार कर रही है। दोस्तों, आज हम जब गरीबी निर्मूलन का काम कर रहे हैं, जब गरीबी से लड़ाई कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं सबसे ज्यादा गरीबी किस समाज में है? गरीबी तो सारे समाजों में दिखाई देगी, लेकिन अगर भारत का आर्थिक सर्वेक्षण हम देखें तो सबसे ज्यादा गरीबी अनुसूचित जाति में हमको दिखाई देती है, अनुसूचित जनजाति में हमको दिखाई देती है। और दोस्तों, जब
मोदी जी एक एक कार्यक्रम हाथ में लेते हैं गरीबी निर्मूलन का, उस कार्यक्रम का टारगेट अगर कोई है, किसके जीवन में सुधार लाने का प्रयास है। मोदी जी अगर सबके लिए मकान की बात करते तो देश में जो 50% लोग जिनके पास अपना मकान नहीं है उनकी अगर तुलना करें तो हमारे अनुसूचित जाति के लोग उसमें सबसे अधिक है। आज करीब 70-80% अनुसूचित जाति के लोगों के पास अपना खुद का मकान नहीं है। 2022 तक सारे भारतीयों को मकान मिलेगा तो उसका सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को होगा तो हमारे बेघर और गरीब अनुसूचित जाति के लोगों को होगा, जिन्होंने मकान का सपना देखा था और भारत के संविधान में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने उनको मकान मिले इसकी व्यवस्था भी की थी, लेकिन उस व्यवस्था को चुराने का काम, लूटने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया, उसको पूरा करने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। आज देश के अंदर एक एक कार्यक्रम आप लीजिए, आज अगर बिजली घरों में पहुंच रही है, मैं पूछना चाहता हूं कौन से घर थे जिनमें बिजली नहीं थी, इनमें से 75% घर ये पिछड़ों के घर थे जिन्होंने कभी बिजली नहीं देखी थी, मोदी जी के राज में उनके घर में बिजली पहुंच रही है। वो किसके घर थे जिनके घर में लकड़ी के चूल्हे पर रसोई पकाई जाती थी, जिन्होंने गैस क्या होता है वो देखा नहीं था, ये सारे के सारे अधिकांश लोग हमारे अनुसूचित जाति के लोग थे, क्योंकि इनको पिछड़ा रखा गया, विकास से दूर रखा गया, केवल नारों पे जीवित रखा गया, लेकिन इनके लिए कभी भी कोई व्यवस्था करने का काम कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। ये केवल बोलते थे, केवल नाम लेते थे, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का नाम लेते थे। मैं कांग्रेसियों को पूछना चाहता हूं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का नाम लेने का आपको अधिकार क्या है? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को संविधान सभा में जाने से रोकने का प्रयास किसने किया? इन्हीं कांग्रेसियों ने किया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को चुनाव में हराने का काम किसने किया? इन्हीं कांग्रेसियों ने किया, जो ये भी नहीं चाहते थे कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर देश की संसद में जाए। आज वो भी कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम पर वोट मांगने की कोशिश वो करते हैं। दोस्तों, इनका ढकोसला आज लोगों के सामने आ रहा है और इसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज जब ध्यान में आ रहा है कि गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से और अनुसूचित जाति के लिए केंद्र सरकार ने अलग अलग प्रकार की जो योजनाएं तैयार की, इन सारी योजनाओं में जो सबके लिए तैयार हुई उन योजनाओं में भी और जो अनुसूचित जाति के लिए तैयार हुई उन योजनाओं में भी इतने बड़े पैमाने पर अनुसूचित जाति के लोगों का विकास हो रहा है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगारी का क्षेत्र हो, स्वयं रोजगारी का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो। आज हर कार्यक्रम में जिस प्रकार से अगर हम मुद्रा की बात करें तो आज मुद्रा के जो लोन बांटे गए उसमें 50% से ज्यादा लोन ये अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को, ओबीसी के लोगों को यहां पर प्राप्त हुए। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि अब ये सारे जो एक साथ आकर मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, जो सारे एक साथ आकर मोदी हटाओ का नारा लगा रहे, ये सारे लोगों को पता चल गया इतने सालों तक उन्होंने जो झूठ की दुकान खोली थी अब झूठ की दुकान का शटर बंद होने वाला है और अपनी दुकानदारी बंद होने वाली है। ये समझने के बाद ये सारे के सारे लोग एक साथ आ रहे हैं, पर ये कितने भी साथ में आ जाए देश के अनुसूचित जाति के जनजाति के लोग, पिछड़े लोग, गरीब लोग ये जानते हैं कि उनको दर्द को ये समझ नहीं सकते। अरे दर्द को तो वही समझ सकता है जिसने दर्द झेला है, जिसने रेलवे स्टेशन पर चाय बेच बेच कर अपनी गरीबी को सहा है, जिसने गरीबों का दर्द क्या होता है ये देखा है। ऐसा प्रधानमंत्री गरीबों के दर्द को समझकर आज उस दर्द से उनको बाहर लाने की कोशिश कर रहा है। और इसलिए दोस्तों, लगातार झूठ पर झूठ बोलकर लोगों के बीच भ्रम फैलाने का काम होता है। ये सारे के सारे लोग एक आ जाते तो पहला नारा क्या लगाते? ये संविधान बदल देंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत के संविधान ने स्वयं ही ऐसी व्यवस्था की है कि भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर कोई बदल ही नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता।
भारत के संविधान की ताकत है कि उसके बेसिक स्ट्रक्चर को कोई बदल नहीं सकता। और जहां तक संविधान को बदलने का सवाल है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा जब तक मोदी है संविधान को कोई हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान न होता तो मोदी जी जैसा एक गरीब देश का प्रधानमंत्री भी नहीं होता। हमने संविधान में संशोधन किया, लेकिन गरीबों के लिए किया, अनुसूचित जाति के लिए किया। जब जब अनुसूचित जाति के आरक्षण के ऊपर खतरा मंडराया तो चाहे अटल जी की सरकार हो, मोदी जी की सरकार हो, इस सरकार ने संविधान में इस बात को अधोरेखित किया कि किसी भी प्रकार से अनुसूचित जाति के हमारे आरक्षण को कोई भी खतरा नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये सारे के सारे लोग रोज लोगों में जाकर झूठ बोलते हैं, रोज कहते हैं संविधान बदलेंगे, रोज कहते हैं बाबा साहब का संविधान बदलेंगे। मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, बाबा साहब के संविधान की रक्षा ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है, मोदी जी की प्राथमिकता है, और कोई मायका लाल इसको बदल नहीं सकता, ये भी हम सबने ध्यान में लेना चाहिए। दोस्तों, ये झूठ पर झूठ बोलते हैं, मैं इनको सवाल पूछना चाहता हूं। अभी यहां पर बताया डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की बात करते हो, हिंदू मील पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का स्मारक बने, ये करोड़ों करोड़ों भारतवासियों की इच्छा थी। दोस्तों, केंद्र में भी उनकी सरकार थी, राज्य में भी उनकी सरकार थी, और ये जो हिंदू मिल की जगह है केंद्र सरकार के पीएसयू की जगह थी, टेक्सटाइल कारपोरेशन की जगह थी। लगातार मांग होती थी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी, जिन्होंने हमें जीने का तरीका दिखाया, जिन्होंने हमें ऐसा मार्ग दिया कि हम शान से जी सकते हैं, समता का मार्ग जिन्होंने हमको दिया, जिन्होंने हमें संविधान दिया। बाबा साहेब आम्बेडकर जी के स्मारक के लिए एक इंच जगह भी कांग्रेसियों ने नहीं दी, एक इंच भी जगह। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री दिल्ली जाता था, प्रधानमंत्री को मिलता था, प्रधानमंत्री आश्वासन देता था, ये वापिस आता था, फाइलों पर फाइलें बनती थी। लेकिन ये जो सरकार थी, ये सरकार ये केवल मिल की जमीन को हड़पने का काम करने वाली सरकार थी। इनको पता था मिल की जमीन में इनको पैसा मिलेगा, भ्रष्टाचारी लोग थे, एक इंच भी जमीन इन्होंने नहीं दी। लेकिन दोस्तों एक इंच भी जमीन इन्होंने नहीं दी। लेकिन जब मैं मुख्यमंत्री बना, आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं मोदी जी के पास गया, मैंने कहा मोदी जी, देश के करोड़ों लोगों की ये इच्छा है कि किसी भी हालत में हिंदू मिल पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का स्मारक बनना चाहिए। उन्होंने कहा प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा ये जमीन केंद्र सरकार के पास है, पीएसयू के पास है, चाहिए जितने कानून बताए जाते हैं, सरकार जमीन देने को तैयार नहीं है। 15 सालों से केंद्र सरकार कहती है देंगे, राज्य सरकार कहती है देंगे, एक इंच भी जमीन नहीं दे रहे। मोदी जी ने तुरंत मंत्री जी को बुलाया और कहा 3 दिन के अंदर ये जमीन महाराष्ट्र सरकार को मिलनी चाहिए। और तीसरे दिन केंद्र सरकार के साथ हमारा एमओयू हुआ, तीसरे दिन हमारा एमओयू केंद्र सरकार के साथ हुआ। पिछले कुछ दिनों से गला जरा खराब है, जोश कम नहीं है, गला खराब है। और दोस्तों 3 दिन के भीतर ये जमीन हमें प्राप्त हुई और इस जमीन पर आज हमने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के स्मारक का काम शुरू कर दिया। 2020 में चैत्य भूमि पर आप आएंगे तो चैत्य भूमि पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का स्मारक आपको देखने को मिलेगा। आप चैत्य भूमि का दर्शन लेने से पहले डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के अंतर्राष्ट्रीय स्मारक का दर्शन लेंगे। और इतना ही नहीं, मुंबई में जो भी आएगा उस हर व्यक्ति को सीलिंग से गुजरना पड़ता है, और सीलिंग से जाते हुए मुंबई में आने वाला हर आदमी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का दर्शन लेकर ही आगे जाएगा। ये व्यवस्था हमने पूरी की है, चाहे वो दीक्षा भूमि हो, चाहे लंदन का घर हो, लंदन का घर
जब लीलाओं में निकला, हमारी सरकार में नहीं निकला, पुरानी सरकार में लीलाओं में निकला। पुरानी सरकार में उस समय के कुछ मंत्री उस समय के मुख्यमंत्री के पास गए और उन्होंने कहा ये लंदन का घर हमने लेना चाहिए, ये लीलाओं में जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की शिक्षा भूमि है, यहां पर रहकर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने ज्ञान अर्जन किया है, बहुत मेहनत की है, हम सभी के लिए ये शिक्षा की भूमि है, इसको लिया जाना चाहिए। निर्णय नहीं हो पाया भाई साहब, दो दिनों तक फाइलें चली और अंत में निर्णय हुआ कि राज्य की सरकार विदेश में जाकर घर नहीं ले सकती। हमारी सरकार आई, हमारे पास कुछ लोग आए, उन्होंने बताया कि ये घर अगर चला जाएगा तो देश के लिए बदनामी का धन होगा, 125 करोड़ का देश डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के घर को बचा नहीं पाया और ये घर लीलाओं में चला गया। हमने तुरंत निर्णय लिया, बड़ोले जी को मैंने लंदन भेजा, लंदन में जाकर बड़ोले जी को कहा जितना पैसा मांगते पैसा दीजिए, लेकिन ये घर हमको लेना है। केंद्र सरकार की मदद ली, केंद्र सरकार ने परमिशन दी और हमने वहां पर उस घर को लिया और आने वाली जुलाई में वहां पर एक बहुत सुंदर म्यूजियम संग्रहालय जिसमें डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के बहुत दुर्मिह इस प्रकार के चित्र हमने रखे हैं, उनका पत्र व्यवहार हमने रखा है, उसको भी हम लोग आज जनता के सामने खोल रहे हैं। दोस्तों, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं, चाहे वो देश हो चाहे महाराष्ट्र हो, जिस प्रकार से हमारी राज्य की सरकार ने भी अनुसूचित जाति के लिए लगातार काम किया है, पिछले 4 वर्षों में हमने महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति के लिए 50 हॉस्टल का निर्माण किया, हमने अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए और 50 हॉस्टल का निर्माण किया और जिन लोगों को हॉस्टल में एडमिशन नहीं मिलती उनको 60,000 रुपये हम देते हैं ताकि वो बाहर में रहकर भी सीख पाए और ऐसे हजारों लड़कों को हमने सीखने की व्यवस्था की। अगर विदेशों में पढ़ना चाहते हैं तो विदेशों में भी उनको स्कॉलरशिप देने का काम हम करते हैं। अनुसूचित जाति के लोगों को आज यहां पर चाहे वो शिक्षा हो चाहे रोजगार हो, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर अधिकारिता देने का काम हमारी सरकार ने किया है और इसलिए आज के इस अधिवेशन के समापन पर मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। दोस्तों, देश के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर आज जो सरकार है अनुसूचित जाति का हित देखने वाली सरकार है, अनुसूचित जाति का साथ देने वाली सरकार है। अब बहुत हो गया केवल बातें करने वाले लोग, ये लगातार लोगों के बीच आकर झूठ बोल बोल कर लोगों को गुमराह करेंगे। लेकिन आप सबसे मेरा निवेदन है, अभी जो बताया 20 बस्तियों में जाइए, हर बूथ पर जाइए, हर अनुसूचित जाति के घर में जाइए और बताइए इस देश में अनुसूचित जाति के लिए काम। आप लोग अगर जाएंगे तो 2014 में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के सांसद भारतीय जनता पार्टी में चुने गए, लेकिन 2019 में उस रिकॉर्ड को भी हम तोड़ेंगे और देश का हर अनुसूचित जाति का सांसद केवल और केवल भाजपा का होगा, केवल और केवल भाजपा का होगा। इसके लिए आप लोग सब तैयार रहे, इतना ही निवेदन करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनोद सोनकर जी को धन्यवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। श्री विनोद सोनकर जी। फ्रेंड्स, इस रेड बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ में ही बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि समय समय पर आने वाली हमारी कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वहीं पर शेयर का बटन है, अगर आप चाहते हैं हमारे वीडियो को शेयर करना और आपको इतना ही पसंद आया है तो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, जहाँ भी आपका अकाउंट है इसे शेयर बटन के द्वारा वहाँ पर शेयर करें। अगर एंड तक आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन प्रेस करना कभी ना भूलें।